बोलो भगत और भगवान की। इंद्र का नाती वही तो पीता गंधर्व सेन, अरे भाई विक्रमादित्य है जाकी घर में नावत भैन। राजा भर्तरी को जन्म हो जाए तो काई भी का लाड चाव। भगवान की। राजा भर्तरी रो जन्म हो जाए तो विकी माता ब्राह्मण मुनि जन को बुलावर देखा कहीं भी का नाम कढ़ाव है। भगवान की। माता ब्राह्मण ने बुलाव है बाचो ब्राह्मण थरा वेद ने मुनि जन देखो संजोग। तो कहीं ब्राह्मण कवहर देखा की वार्ता हो रहा है।
तुर भगवान की। हे माता, राजा भर्तरीवी को नाम और जोगी बने लो। माता बोली, रे ब्राह्मण, बहुत अड़ो अन्याय कर दी। तो के माता कवर के देखा। ब्राह्मण सुन है, कंचन दीक्षणा में देसू। बालक के दोष मत लगाए और इको नाम पाछो उल्टो दूसरो कड़ा दो महाराज। तो कहीं ब्राह्मण कहे है, भगवान की। हे माता, कागज वे तो मैं बांच लो, कर्म न बांचो न जाए। जो कर्म का भगवान लेख लिखा वह टले को नहीं। हे माता, राजा भर्तरी नाम कड़ा दियो। 17वीं साल में भी की शादी होगी और 18वीं साल में राजा भर्तरी जोग धारण कर लेवेगो।
हो जावे है। भरत रे एक साल का होवे धीरी माता लाड लडावे, भरत रे एक साल का होवे जारी माता लाड लडावे। पांच साल का होवे वो तो पढ़वा नहीं जावे। शादी तो हो जावे भरतरी। भगतुर भगवान की। राजा भर्तरी एक साल का हो जावे है तो भी की माता बड़ो लाड लड़ावे है। भर्तरी पांच साल का हो जावे तो स्कूल में पढ़वा जावे गुरु को शिक्षा पाने के लिए। राजा भर्तरी सत्रहवीं साल का हो जावे तो रानी पिंगला ब्याह कर घराने ल्यावे। तो राजा भर्तरी बड़ो मोटो हो जावे है तो राजा एक दिन मन में सोचे कि भी शिकार खेलने वास्ते चला। तो कहीं राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला ने कहे कि मैं शिकार वास्ते जाऊं। भगतुर भगवान ने की। रानी पिंगला राजा भर्तरी ने कहे कि हे महाराज
उत्तर दिशा में शिकार खेलवा मत जाजो। ब्राह्मण जन को न टुड़ है कि एक राजा भर्तरी सुबर घोड़ी पर न छड़े, उत्तर दिशा में शिकार खेलवा न जावे और काला मृग ने न मारे तो राजा जोग धारण न करे। लेकिन राजा भर्तरी शिकार वास्ते तैयार हो जावे है और देखा कई बार ता बन जावे है। तोर भगवान की राजा भर्तरी घोड़ी माथे चढ़े और उत्तर दिशा में शिकार खेल वास्ते चले जाए। अगर मिर्गियां वारी डार दिखी तो राजा चर मेर घेरो दिल वाले है। मिर्गियां बोली रे राजा, अरे तुम हरे कन कया आयो। राजा बोलियो, थारे पत्री शिकार खेलू मैं। मिर्गियां बोली, राजा के कमे देखा मिर्गियां। Oh,
चतुर भगवान की। हे राजा, मैं बदन बंदरी शिव को घास खावा थारो उजाड़ कहीं कर दियो तो तुम्हारा पति ने मार से तने शिकार खेलनी वे तो मिर गया, दो की चार मार ले, आठ मार ले, लेकिन मारा पति ने मत मारे। राजा बोले, मिर्या मैं सत्वादी राजा हूं, त्रिया जात पर हाथ को नहीं उठाऊंगा। तो कहीं राजा दीवान जी ने कहे कि दीवान जी जाओ और जाड़ बिछाओ, मिर्गा ने प्रसन्न है। दीवान बिछा जाड़ आपको मिर्गिया के घेरो देवे तो मिर्गिया कूद कूद बनी में चली जान, मिर्गो बटे फस जाए। मिर्गा का चारू पांव जाल में फंस जाए तो कई मिर्गिया भगवान से करुणा करे देखे। जी राधी जो प्राण बचा।
तीजो प्राण बचाए सांवरा, तीजो प्राण बचाई रेया, वो भी हिरणी अर्ज करे। सुन लो मिर्गिया सुन मारो समाचार, व्यापार दे सुन लो मिर्गिया सुन मारो समाचारी, सुन मारो समाचार।
भगतुर भगवान की। तो के बड़े देखा सजनों, काला नाग बंबी में से निकल के पारदी को खा जाता है। तो राजा भर्तरी मिर के बाण देना चालू कर दो। देखे राजा बाईयो लियो मिर्गो सिंगा से टाल, दूजो बाण राजा बावियो मिर्गिया लियो मंगरा सुवार, तीजो बाण राजा बावियो मिर्गो मारी उछाल, चौथो बाण राजा मारियो मिर्गा के गयो कलेजे पार। तुर भगवान की। खाई फसाड़ा मिर्गो गिर पड़ो, धरनी पे खाई है फसाड़, मिर्गिया कैमला गिरे पापी हत्यारा, तूने बहुत जुल्म कियो, जैसे बनमे में मारा पति ने पुकार दी फिर जू तेरी रानी पिंगला तेरा पति ने पुकार दी फिर, यो मारो श्राप है। मिर्गिया खाए खाए फसाड़, मिर्गा के सिंगों में पोई पोई के मरने चालू कर दी।
राजा भर्तृहरि मन में सोच रहे, हे भगवान, बहुत अन्याय कियो मैंने तो। आखिर में मेरे को कहने लगी, मेरे क्या, मैं 2 मिनट को पावन हूं तो 2 बात राजा सुमन कर लेन ले। तो कहीं देखा मेरे को कबर के राजा भर्तृहरि सुना है। भगवान की, हे राजा, मेरा शरीर ने ऐसी जगह मत गवा दीजिए। किन जगह खाल दीजिए, गोरखनाथ ने लीजिए धुना पर बिछा,
सिंगी दीजे कोई साधन वे घर घर अलख जगाए अपना पेट रो काम करे। पैर दीजे कोई कायर चोर ने वो रणमाई बग जाए हाथ तीर ने हाथ हुए। नैन दीजे कोई चंचल नार ने बैठी केस निहार वो मिर्गा नैनी बाजे। अरे मिट्टी रो भक्षण राजा तू कर जे सुन जे तू भरत पवार। राजा भरतरी मन में सोचे कि हे भगवान काम बहुत अड़ो कियो तो राजा भरतरी ले मृग ने घोड़े माथे आपको रवाना हो जावे। कहीं देखा राजा गोरख बाबा गोरखनाथ के पास जाए है तो गोरखनाथ रे धुना माथे चलो जाए तो कहीं देखा गोरखनाथ जी महाराज राजा भरतरी ने आओ तो देख रखे कवहर के बार था। राजा गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ भरतरी ने देख ही बोले रे पापी न्यायी दूर रवे। राजा भरतरी बोले मोड़ ज्यादा चूचट करे मत चार बाण अड़ा खोए चौथ पांचवा बाण वो तेरे वास्ते है। गोरखनाथ जी महाराज मन में सोचे हैं कि राजा जोगी अग्नि जल ज्या की उल्टी रीत डरता रही हो परशुराम जी वे थोड़ी फाड़े। गोरखनाथ जी महाराज बोले वह केचा वह है मृग को जीव दान दो महाराज दुने में से भभूति की चूठी देता ही मृग को जीव दान ले आपको जंगल में भाग जावे है। राजा भरतरी चरणों में पड़ जावे कि महाराज मन चेलो मुंडो तो गोरखनाथ जी महाराज केवल आगे की भरतरी जो को बहुत अड़ो काम है आप जाओ महलों में ऐसा आराम करो कि नहीं महाराज मैं तो आप रह चरणों में रहूं। तो राजा भरतरी अपना वस्त्र उतार दे है और बभूति लगा ले हर कहीं देखा तो राजा भरतरी से गोरखनाथ जी महाराज बोले राजा भरतरी जाओ और रानी पिंगला से माता कहकर भिषा लाओ जद थारो काम सही है। तो कहीं राजा भरतरी जोग धारण करके महलों में आवे है कहीं देखा अलख अलख की आवाज लगावे है। राजा भरतरी अलग अलग की आवाज करी तो रानी अपनी दासी चंपा को की जाओ और बाबा जी ने भिक्षा दिया हो दासी ले चंपा भिक्षा आवे है तो राजा भरतरी दासी ने के कवे है। भिक्षा ले केरी भेज दे रानी माता ने दासी भिक्षा ले केरी भेज दे रानी माता ने दासी। Yeah.
भी खासे दे देरी। अरे घाल दे टुकड़ो जा ताली, घाल दे टुकड़ो जा ताली, भेज दे रानी माता ने दासी भिक्षा ले केरी, भेज दे रानी माता ने दासी। भिक्षा ले केरी भेज दे ओ रानी माता ने दासी। राजा भरतरी दासी ने कहे कि दासी भिक्षा ले केरी भेज दे रानी माता ने। मेला के माजा के दासी रानी को तू कह दे रही दरवाजे पे जोगी आया भीख हाथ से दे दे रही। अरे गाल दे टुकड़ो जाता ने भेज दे रानी माता ने। फिर क्या कहा है अरे दरवाजे पे भिक्षा लेके मात पींग ला आवे हो। राजी हो के भीख गाल दे जोग सफल हो जावे हो। अरे राजी हो के भीख गाल दे जोग सफल हो जावे हो। राजी हो के भिक्षा ले केरी भेज दे रानी माता ने दासी। वह राजी होके भीख गाल दे जोग सुपल हो जावे री। गुरुजी कह दी आता नहीं भेज दे रानी माता ने। फिर के कह वह आज आज का दर्शन मेला ओचन को नहीं आउरी। आशीर्वाद सुनावरी आज आज का दर्शन मेरा हो तुमको निहाउरी। मैं तो तुमको निहाउरी झूठी एक सोन की लेके आशीर्वाद सुनावरी रे झूठी एक भिक्षा ले केरी भेज दे रानी माता ने दासी।
राजा भर्तरी के कवे है, आज आज का दर्शन मेरा ओजू को नी आऊरी, अरे चूठी एक सुन की लेके आशीर्वाद सुनाऊरी। याद रखूंगा दाता ने भेज दे रानी माता ने, फिर के बताया गए। अरे आज तलक में देखा कोनी, ऐसा तो किए हो दासी, ऐसा तो किए हर नारायण कहता भला पागल की जो होगी है। आज तक में देखा कोनी दासी, ऐसा तो किए हो दासी, ऐसा तो किए पागल की जो होगी है। अरे सुन जो गी की बातानी, सुन जो गी की बातानी, भेज दे हो रानी माता ने दासी, भिक्षा ले के भगत और भगवान की दासी जा रानी ने कवे की मातेश्वरी, राजा भर्तरी जोगी बन गयो। रानी पिंगला ने जोगी को नाम सुनते ही खाए फछाड़ और गिर जाए है। तो रानी ड्योटी पर चाल रावत तो के राजा भर्तरी ने कवर के देखा, भर्तरी जवाब देव है। दासी जार के रानी ने कवे देखे, दर्शन मेला ये रा।
बोली है। पाया में मां पावड़ी और हाथ में एक झोली है, हो हाथ में एक झोली है। अच्छा मैं ललाई पी भांग किसी गोली है। भूल के आया गे लाए, भूल के आया गे लाए, हो दर्शन में लाए रानी चल डोडी परिये, तो गिरा कर दे दर्शन में लाए रानी। डोडी परिये तो गिरा कर ले दर्शन मेला ये रानी। दासी के कब है हे माता, यहां को जोगी माल तक देखो ही कोनी, कैसो कैसो भी को रूप रंग रानी ने बताव है। वो यो पया में मां पावड़ी और हाथ में एक झोली है, अरे आँखा में ललाई पी भांग किसी गोली है। कोई भूल के आया गेला ये, डोडी पर चाल कर ले दर्शन मेला ये। फिर के कब है, अरे गले के में माला और कांत में तू जमाए, गले के में माला और कांत में मृग छलाए, पापा में मृग छलाए, शीशान हो रहा रूप का उजियाला ये। अरे गले के में माला और काठ में मृग छाला ये, मां काठ में मृग छाला ये, चंद्रमा की शान हो रहा रूप का उजियाला ये, चंद्रमा की। कुदरत का खेला ये, देख कुदरत का खेला ये, जोड़ी पर कर ले दर्शन मेला ये रानी, चल जोड़ी पर ये।